राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। करवा माता की जय हो। फ्रेंड्स, करवा चौथ आ रही है। अक्टूबर 2024 को फ्रेंड्स करवा चौथ के दिन हमें कौन सी कहानी और कौन सी कथा हमें सुननी चाहिए इस दिन, और इस कहानी से पूर्व हमें कौन सी कहानी सुननी चाहिए, तो ये वीडियो मैं आज फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं सुनाती हूँ वो कहानी जो हमें अपनी करवा चौथ कहानी से पूर्व हमें सुननी चाहिए। पहले कौन सी कहानी हमें सुननी चाहिए, कौन सी उसके बाद हमें सुननी चाहिए, ये सभी वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सुने कौन सी कहानी आज मैं आपके साथ कहने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कथा सुनने से पूर्व हमें श्री गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। कोई भी कथा अगर आप सुन रहे हैं या कह रहे हैं तो गणेश जी की कहानी आपको अवश्य कहनी है। और सबसे पहले अपने हाथों में चावल या आप गेहूं के दाने ले लीजिए, क्योंकि बिना हाथ में कुछ लिए हमें कहानी नहीं सुननी चाहिए, तो आप ये ज़रूर ले लें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, गणेश भगवान की स्तुति कर लेते हैं पहले। वर्कतुंड महाकाव्य सूर्य कोटि समय प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्वकायशु सर्वधा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें गणेश भगवान की कहानी सुननी है, उसके बाद हमें करवा चौथ की कहानी सुननी है। तो गणेश भगवान की कौन सी कहानी कहनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज़ बुढ़िया से कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूँ? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग लो। बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह अपने पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले हैं कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, थोड़े दिन की ज़िंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बहू बेटा भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश भगवान अंदर ध्यान हो गए और अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे गणेश जी महाराज ने कहा। जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सब किसी को देना, गणेश भगवान, ये आपसे हमारी विनती है। तो बोलिए श्री गणेश महाराज की। तो फ्रेंड्स, ये थी गणेश भगवान की कथा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करवा चौथ की व्रत कथा कौन सी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उनके पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर में भेजे जाते हैं। और तथा इनमें से निम्नलिखित कहानी हमें सुननी चाहिए और कहनी चाहिए, और उसके बाद चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तो फ्रेंड्स, व्रत की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके साथ बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी, एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन कराने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चाँद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में चाँद सा दिखा दिया। तो वह अपने भाभियों से बोली, चलो भाभी चाँद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उनकी भाभी बोली, ये तो तेरा चाँद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चाँद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने अपनी लड़की के पहनने के लिए तीन बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले, तब उसके सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल में भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले पे एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ बांध लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी और उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली,
सीली हो, सपूती हो, सात बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले की गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर गई, आकर देखा कि उसके पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। एक साल तक उसकी सेवा करी, उसकी सास बांधी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते एक साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा कि नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी, वे सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने पर उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भैयों की प्यारी करवे ले लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवा दे दे। तो वह बोली, तीसरी बहन आएगी तो वह तेरे को करवे देगी। इस तरह पांच बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी सातवीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साई जियो, जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उसके करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना उस, जिससे तेरे पति बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा ही नहीं और उसके कांटे निकाल दिए, तो आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोई नहीं, 12 महीने हो गए हैं तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डाली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चोपड़ा सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने आई तो दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल बताया और अपनी सासू माता को बताया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें, पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे ही सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, ऐसा 7 बार बोले, चंदा ए चंद्रवालिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अरग दे, मैं बैठी तेरी बाट में। काहे का तेरा कंडाला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडाला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ए चंद्रवालिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अरग दे, मैं बैठी तेरी बाट में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की व्रत कथा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की कथा थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। करवा माता आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री करवा माता।